किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे यहाँ गुरु कृपा हर्बल फार्म पे बहुत दूर से किसान पहुँचे हैं। रात को 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बजे किसान बाहर दूर से आए हैं, महाराष्ट्र से, और इनका जो है किसी एक विशेष बीज के लिए यहाँ आए हैं। ये बीज लेने के लिए आए हैं रात में ग्राम शॉप में, और मैं आपका इनसे परिचय करवाता हूँ। और ये जो है बहुत ही एक गोदन पर गायों के ऊपर वर्मी कंपोस्ट तो सब बनाते हैं गाय के गोबर से हैं, बाकी इनका जो मेन काम जो है गाय के गोबर से, गोमूत्र से, ये कई तरह की मेडिसिन भी बनाते हैं। और उस मेडिसिन का लोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। और इनकी गौशाला है, छोटी गौशाला है, बाकी उनका काम बहुत बड़ा है। और ये बड़े काम के लिए ही इधर आए थे हमारे जयपुर में, और जयपुर से फिर हमारे यहाँ पहुँचे हैं। और ये इनको जो बीज की आवश्यकता है, हमारे गुरु कृपा हर्बल फार्म के जो बीज हैं तो इनको बहुत पसंद है, तो वो कहीं इस तरह तो ये यहाँ पर लेने आए हैं। तो इनका परिचय मैं आपसे करवाता हूँ, और ये जानकारी हम इनसे लेंगे कि भाई ये गौशाला में किस तरह का ये एक व्यवसायीकरण करके लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, कई तरह के उनसे मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन के द्वारा लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार सृजन करने का भी इनका मुख्य काम है। तो ये इनसे पूरी जानकारी लेने के लिए मैं परिचय करवाता हूँ। तो नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे जो दर्शक साथीगण हैं, किसान बंधु, उनको आप अपना पूरा परिचय, गांव, नाम, पता सब बताइएगा। जी, मेरा नाम दिनकर शांताराम खतड़े, नासिक महाराष्ट्र, इगतपुरी तहसील से हूँ। हमारी गोकुल धाम गौशाला नाम से गौशाला चलाते हैं और गाय की पंचगव्य से दवाई बनाते हैं, खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, जो भी नैसर्गिक खाद चाहिए खेती को, क्रॉप्स को, वो सब बनाते हैं। जी और आप इनके पुत्र हैं, तो इनके जो पुत्र हैं इनसे भी पूरी जानकारी लेते हैं। बताइए सर, आपका नाम पता बताओ दर्शकों को। मेरा नाम वैभव दिनकर खतड़े है, और मतलब पिछले 10-15 सालों से हमारे कार्य चल रहे हैं। जी हम देसी गाय के पंचगव्य से वात पित्त कफ संबंधित जितने भी बीमारी है मनुष्य शरीर में, या प्राणी, मतलब कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, कोई भी उसकी चिकित्सा करते हैं हम पंचगव्य से। पंचगव्य, चाहे मतलब पशु हो या मनुष्य हो पशु हो या मनुष्य हो या पक्षी हो। या पक्षी हो या पेड़ हो, अच्छा पेड़, अच्छा पेड़ की भी चिकित्सा वो होती आ है गया ना, पेड़ पंचगव्य। आ गया ना, वो फसल आ गई हो तो सारी, हाँ तो इन सब के मतलब देखो आप, ये सारा काम आप देखते हैं, जी सभी की चिकित्सा आप प्राकृतिक तरीके से, जी यानी कि गो गो माता के जो पदार्थ है, जो दिव्य पदार्थ है, जिनको अपन जो गोमूत्र है, विशेष कर से गोमूत्र ज्यादा काम में लेते हैं। तो अपने दर्शकों को आप बताओ कि ये थोड़ा सा इसमें जो आप बनाते हो वो किस तरह से बनाते हो, और लोगों को क्या आप इसमें रोजगार देने के लिए उनको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं, या इस तरह की पूरी जानकारी। ये मतलब दवाई कैसे बनती है, अलग अलग तरीके से दवाई बनी जाती है। ये बेसिकली ये जो है ना, ये अपना पुरातन, मतलब ये एंशंट आयुर्वेद है अपना, ये पुराना आयुर्वेद है। पुराना आयुर्वेद है ये पुराना मतलब ये 3,500 वर्ष पुराना आयुर्वेद है, जी। और इसमें से रोजगार मतलब अभी ये मॉडर्न साइंस में अभी इसको हमने पाठ्यक्रम का ये किया है। उसमें अच्छा, जैसे मास्टर डिप्लोमा इन पंचगव्य थेरेपी, ये पाठ्यक्रम हम सिखाते भी है, आप देश सिखाते हो और पूरे भारत से हमारे पास में लोग विद्यार्थी सीखने आते हैं पंचगव्य पर। पंचगव्य पे। मास्टर डिप्लोमा इन पंचगव्य थेरेपी ये कोर्स का नाम है। जी 3 साल का पाठ्यक्रम है, 1 साल का पढ़ाई है, 2 साल की अप्रेंटिस है उसमें, और अब तक के 500 से अधिक गव्य सिद्ध, मतलब जो डॉक्टर है पंचगव्य पे कार्य करने वाले, वो हमने तैयार किए हैं। 500 से अधिक 500 से अधिक पूरे देश भर में, पूरे देश भर या आपके महाराष्ट्र में ही? नहीं, पूरे देश भर में। पूरे देश भर से जी हैं। अच्छा, 500 से अधिक। जी तो
तो इनमें मतलब वो आपने बताया भी अस्थमा दमा और इसके अलावा दूसरे अन्य अन्य बीमारियां। अभी अन्य बीमारियां मतलब हमारा मुख्य काम जो है ना वो कैंसर पे है। कैंसर पे बड़ी दूर दूर से कैंसर के मरीज मतलब लास्ट स्टेज के पेशेंट, मतलब अभी जयपुर के लिए निकलने वाले थे तभी भी हम सुबह में उस दिन कैंसर पेशेंट पिताजी करके ही आए थे। अच्छा। तो एकदम, और वो कैंसर पेशेंट भी थे, वो आए थे यूपी से। हमारे पास में आने वाले कैंसर पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको उम्मीद छोड़ देते हैं डॉक्टर लोग, इनकी सेवा करो, सेवा करो। ऐसे लोगों को जीवन दान देने का काम गौ माता के माध्यम से हमारे हाथ से हो रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। किसान भाइयों, मैं भी आज पहली बार इसे मिला हूं और ये कि बहुत बड़ी इनके पास उपलब्धि है कि अब तक तो कैंसर की जो है डॉक्टर लोग ही लाखों रुपए खर्च करने पे इलाज ही संभव भी हो सकता था, असंभव भी है, क्योंकि कई कैंसर के पीड़ित रोगियों के जो है ना इलाज ही संभव भी नहीं हुआ और डॉक्टर लोग भी आखिर में कहते थे कि भगवान भरोसे छोड़ देते हैं और सेवा करने के लिए बोल देते हैं। बाकी भैया जो बता रहे हैं कि जिनको डॉक्टर लोग भी जो है मना कर देते हैं इलाज के लिए कि आपका इलाज संभव नहीं है, उन लोगों को भी ये गो आधारित मेडिसिन के द्वारा उनका इलाज अपने यहाँ करते हैं। तो आप रोगी वही रहता है आपके यहाँ? नहीं, तो पंचगव्य में क्या है ना, बहुत आसान है, वन ऑर्गन वन मेडिसिन। और वो ऐसा है कि मतलब आप अपने घर पे ही ठीक हो, जी अस्पताल में आदमी ठीक नहीं होता है, घर पे घर की घर घर के माहौल में आदमी जल्दी ठीक होता है अस्पताल से ज्यादा। ये सही बात। तो घर के घर में वन ऑर्गन वन मेडिसिन, मतलब आपका हार्ट खराब है तो उसको एक दवाई देते हैं अमृत, मतलब अपना अर्जुन अर्क देते हैं, अर्जुन और गोमूत्र का अर्क होता है, उसकी गोलियां होती है, अर्जुन का घृत होता है, तो वो देते हैं। तो 90-90% ब्लॉकेज के पेशेंट जो है ना वो आसानी से ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल राइट, बिल्कुल आसानी से, बिना कोई ऑपरेशन, बिना बाईपास, बिना। हम तो मरीज को कहते हैं कि आप एंजियोग्राफी भी मत करा, जी पर उनको डर रहता है ना तो वो करा लेते करा हैं। लेते हैं, शंका के चलते वो करा जी, लेते हैं। गोमूत्र के ऊपर अमेरिका ने 3 पेटेंट कर रखे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? गोमूत्र में अगर कुछ नहीं है तो अमेरिका क्यों पेटेंट कर रहा है नहीं, गोमूत्र के पेटेंट ऊपर? गोमूत्र के लिए जो है ना शुरू से ही काफी अपने युगो युग पहले गोमूत्र का उपयोग होता था जी, और गोमूत्र में हाँ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज है, साइड एंटी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। बस बिल्कुल और वो क्या करते हैं हम, जैसे कि अलग अलग दवाई बनाने की प्रोसीजर अलग अलग होती है, और वो पूरा मतलब जो अपने वेदों में दिया है वनस्पति की उम्र कितनी होनी चाहिए, वनस्पति कब निकालनी चाहिए, वो गोमूत्र का संग्रह कब करना कब करना चाहिए, चाहिए। जो गोमूत्र अपन ले रहे हैं वो गाय जंगल में चरने के लिए जाती है या नहीं जाती है। अच्छा सारा ये अगर गाय आपकी जंगल में चरने के लिए जाती है तो ही उसका गोमूत्र औषधि है। बिल्कुल राइट आपने अगर सही है। आप गाय जगह पे, गाय जो है ना उसको सूर्य केतु नाड़ी होती है, वो सन की कॉस्मोस एनर्जी उसके सूर्य केतु नाड़ी में ग्रहण करती है, जी और जब रात में रवंद करती है तब वो ऊर्जा उसके पंचगव्य में उतरती है। पंचगव्य मतलब क्या, दूध गोमय घी सारा आगे जी, पांचों आगे पांचों आ गया उसमें घी दूध जी मक्खन जी उसका गोमूत्र सब उसके आगे। लिए सबसे जरूरी क्या है कि गाय देसी गाय हो, जी देसी, फिर वो कोई भी प्रांत की हो, कोई भी राज्य की हो, बाकी देसी हो, देसी हो, ये होलिस्टन वगैरह की बात हॉलिस्टियन ऑस्ट्रियन नहीं फ्रीजियन वो कुछ काम, चलेगी। वो गाय नहीं है, वो प्राणी है, वो प्राणी है सही बात। वो प्राणी है अपनी गौ माता जो है ना हाँ भगवान ने जो प्राकृतिक जी, रूप से बिल्कुल जितनी ताकत जो है ना अपने गौ माता को दी है बिल्कुल। वो और वो बहुत बारीक बारीक नहीं चीजें होती है जिसमें है। कि गोमूत्र संग्रह कब करे, गोमूत्र संग्रह कैसे करे, फिर उसको फिल्टर कैसे करे, उसको मूर्छित कैसे करे अलग अलग दवाइयों में, ये बात ये सब पढ़ाते हैं हम। और मनुष्य शरीर की चिकित्सा पंचगव्य से कैसे करें ये भी सिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं आप, नाड़ी विज्ञान भी सिखाते हैं, नाभि विज्ञान भी सिखाते तो हैं नाभि का भी आप जी आजकल नाभि में काफी चल रहा जी है ना, क्योंकि कई लोग नाभि ठीक करना, नाभि के अंदर तेल वेल लगाना, इस तरह की काफी लोगों में आजकल एक ट्रेंड इसका चल रहा है। जी 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 मैं भी कई बार देखता हूँ यूट्यूब पे भी, जी कई लोग जो है ना हड्डी के जो है या कई बीमारी के नाभि में तेल लगाने से सरसों का तेल लगाओ वो लगाओ जी काफी जी रिलीफ लोगों को मिल रहा है। जी जी ये सब आप करते हो? बिल्कुल
इसकी ट्रेनिंग भी आप देते हो? जी इसकी ट्रेनिंग भी देते। तो ट्रेनिंग के लिए क्या आपको प्रोसेस क्या रहता है? ये ट्रेनिंग के लिए देखिए, ये अब कोर्स है ना, 3 साल का कोर्स है। अच्छा, 3 साल। जिसकी फीस होती है 36,000 रुपए, 36,000 रुपीज 3 साल की फीस होती है। जैसे काफी लोगों को मतलब नहीं हो पाता है मुमकिन कि 36,000 रुपए एक रकम में दे दे, और ऐसा भी होता है कि वो दे ही नहीं पाते, 10,000 भी बहुत होते हैं उनको, 5,000 भी बहुत होते हैं। तो जितने भी अपने किसान भाई है ना, अच्छा, तो खास करके किसान भाइयों के लिए, फिर वो कहीं से भी हो, ये अभी से नहीं हमारा, ये काफी पहले से चल रहा है, तो किसान भाइयों के लिए मुफ्त में 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, मुफ्त में। अच्छा, फ्री में? फ्री में। अच्छा अच्छा, तो फ्री में क्या है, अब सब तो नहीं सिखा सकते, सही बात, पर जैसे उनका काम चल पड़े हल्का फुल्का काम कर ले वो मतलब स्थापित हो जाए, उसके बाद में फिर वो आगे की भी पढ़ाई कर सकते हैं। सही बात। तो हम निवासी शिविर होता है हमारे यहाँ पे, तो 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर होता है जिसमें हम मुफ्त उसमें उनको दंत मंजन हो गया, दुपस्टिक हो गया, अमृत धारा, फिर साबुन हो गया, फिर केश तेल हो गया, उसके बाद में दुपस्टिक हो गया, मच्छर दुपस्टिक हो गया, ये सब पंचगव्य आधारित बनाना सिखाते हैं। ये सब बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, और ऐसे 14 प्रकार के मेडिसिन बनाना सिखाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये आप रोजगार का सृजन जो कर रहे हो जी, ये एक बहुत ही बड़ा परोपकार का काम है आपका, जो लोगों को जागृत करने का जो अभियान है, इस अभियान से तो गौ माता की अवेयरनेस और बढ़ जाएगी। हर आदमी जो है, सरकार भी ध्यान दे रही है कि आने वाले समय में ऐसा सुनने में आया है कि शायद 2 रुपये किलो जो भी है, सरकार गाय का जो गोबर खरीदने वाली है उससे भी इसकी अवेयरनेस बढ़ेगा। बाकी आप जो प्रचार कर रहे हो वो एक सराहनीय कदम है समाज सेवा के लिए और लोगों को रोजगार सृजन के लिए और गौ माता के लिए। तो इसमें जो है आपने बता दिया लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, तो ये ट्रेनिंग आपको लगातार वही रहना पड़ता है ट्रेनिंग को, या अपने घर पे कैसे देते हैं? एक साल में है ना आपको 25 दिन आना होता है। 25 दिन? 25 दिन साल वो गैप में होता है, जैसे कि पहले 17 में आ गए, उसके बाद में उनको टाइम टेबल बताया दिया जाता है कैसे कैसे होगा उनके आगे का टाइम टेबल, और 2 साल की अप्रेंटिस करनी होती है, वो भी हमारे साथ में टच में रहे। उसके बाद में अभ्यास पूर्णता का 3 साल बाद सर्टिफिकेट मिलता है उनको, ऐसा काम चल रहा है अभी हमारा, और गौ माता की कृपा से काफी बड़ी इतना बड़ा हुआ है काम कि आपको तो हमने बताया कि हमारे पास में भी 50 गौ वंश है एक जगह पे, पर हम लगभग 2,000 से अधिक गौ माता का संभाल करते हैं। 2,000 से अधिक हमारा ईयरली डिस्टिलेशन गौमूत्र का है 35,000 लीटर का, और भारत का सबसे पहला फार्मास्यूटिकल बॉयलर गौमूत्र अर्क निकालने के लिए, वो भी सबसे पहला। अच्छा, ये प्राइवेट सबसे पहला अर्क निकालते हो आप? जी जी, अर्क भी निकालते हैं उसका। कोई कोई मेडिसिन में जैसे कोई काढ़े उनके लिए अर्क निकालना पड़ता है, गोमूत्र को, गोमूत्र में एक घटक होता है अमोनिया, जैसे वो आप रख दो तो फिर वो उसकी उग्रता बढ़ जाती है, बास आने लगता है, तो बास वो कंटेंट का वो अमोनिया का बास आता है, तो फिर उसको डिस्टिल करके प्यूरीफाई करके, यानी प्यूरीफाई वो बिल्कुल स्मेल वगैरह नहीं है, आदमी लेने में कोई इचक नहीं है, जी जी आराम से उसको यूज ले सकता है। जी जी जी, तो ये आप फिर जो है इसे जो आप गौमूत्र डिस्टिलरी करते हो जी, इनको ये प्राइवेट फार्मेसी है या कहीं एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं क्या? हम है ना मतलब एक्सपोर्ट भी होता है अपना जी, अपने काफी सारे पेशेंट है, काफी सारे कस्टमर है अपने, बाहर के भी ज्यादा है मतलब आउट ऑफ इंडिया के जी, और भारत में तो ऐसा समझ लीजिए कि आप ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे हमारे कुरियर सेवा नहीं जाती है जी। और जैसे कि आप बोल रहे थे कि दुकान में रखने वाली चीज नहीं है सर ये, अच्छा, क्योंकि दुकान में रखने से वो गौमूत्र की वैल्यू कम होती है, तो दुकान में रखने वाली चीज नहीं है वैसे, पर लोग जो है जानकार तो वो आते हैं, और ये हमारा ये उद्देश्य है ना हमारा कि हमारे जैसा केंद्र हर गांव गांव खुले, अच्छा, हर ग्राम खुले, बिल्कुल सही, तो ही ग्राम विकास होगा, ग्राम विकास होगा बिल्कुल, ये तो हमारा उद्देश्य वही है। तो जितने भी हमारे किसान भाई हो अगर सीखना चाहे पंचगव्य के बारे में कुछ भी, तो हमारी तरफ से उनके लिए, भाई जी के तरफ से आए तो उनके लिए बिल्कुल मुफ्त होगा, और नहीं भी आए किसान तो भी मुफ्त होगा। किसान भाइयों, भैया ने जो भी सर ने बता दिया है कि जो हमारा YouTube चैनल आप देखते हो गुरु कृपा हर्बल फार्म,
इसको देख करके, इनकी बात को समझ करके जो किसान जो जाएंगे इनके यहाँ, उनका ये फ्री में इलाज करने का वादा आपसे कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी है, एक आपको भी बेनिफिट है। तो अच्छा एक बात इसमें और है कि जो आपके द्वारा आजकल देखो सबसे बड़ी समस्या जो है ना अपने देश में जी, वो किसानों के साथ में हाँ, किसान अपनी खेती के साथ में हो, आपके आपसे जुड़ करके हो, हेलो आपसे जुड़ करके किसान जो है, किसान के युवा लड़के बच्चे जो है वो किस तरह से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, उनका कोई इसमें कोई बिजनेस इन्वॉल्व आप करते हैं उनको? देखिए आपको आपको एक बताता हूँ जी, गौ माता का काम जो चालू है ना जी, हरेक आदमी दूध के ऊपर काम करना चाहता है, तो बहुत बहुत सारे लोग दूध के हिसाब से काम करते हैं जी। लेकिन आप गोबर गोमूत्र पे काम करोगे ना तो जिंदगी भर के लिए गाय माता आपको रोजगार रोजगार गोबर गोमूत्र देगी। दूध तो थोड़े समय के लिए देगी, कम समय के लिए, कम समय के, लिमिटेड समय है। और गोबर गोमूत्र पे काम करेंगे डेली जी, डेली देती है, डेली देती है, डेली देती है, और आपकी खेती उन्नत होगी, आपका दवाई बनाएंगे तो आपका आरोग्य ठीक रहेगा, सारे देश का आरोग्य ठीक रहेगा, सारे देश का रहेगा। तो ये काम हम आगे जाना लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने जो है आज ही काफी दूर से आप चल के आए हो, महाराष्ट्र नासिक से जी, और आपका जो है हमारे जितने दर्शक हैं हमारे गुरु कृपा हर्बल फार्म की ओर से आपका स्वागत है, वेलकम है। और सभी भाइयों इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, शेयर करने का फायदा ये होगा कि उन्होंने जो बताया गोमूत्र आधारित जो रोग ठीक ये करने वाले हैं करते हैं, तो उसका अधिक से अधिक देश में किसानों को बहुत कम लागत पे, कम खर्चे में गंभीर बीमारियां जो भैया ने भी बताई थी आपको, कैंसर जैसी बीमारियों को ये पंचगव्य द्वारा बहुत कम लागत में एक सुविधा लोगों को दे रहे हैं वर्तमान में। तो आपको भी अगर कोई इस तरह का पीड़ित बंधु है तो उसको लाभ मिले, इस वजह से इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पंचगव्य के गुणों का पता चले, और पंच गाय की जो मिलने वाले पंचगव्य से लाभ हर आदमी को प्राप्त हो सके। तो नमस्कार, 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 जय इंद्र।